फुल स्पीड जो होती है घोड़ी की उस पर भगाने की कोशिश करेंगे। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो शुरू करता हूँ भगवान का नाम लेकर, जो कि इतने ज्यादा एक्साइटिंग हमारे साथ चीजें करते हैं। आज हमारे साथ पता क्या होने वाला है, आज पहले हम अपनी परी को भी बाहर लेकर जाएंगे कैनल के, और उसके बाद युवराज को तांगे में जोड़कर घूमने जाएंगे मैं और कोच साहब और शायद पापा जी भी। तो बिना किसी देरी के भाई जल्दी से निकलते हैं कैनल पर, मैं चाहता नहीं हूँ बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लेट होना। देखिए आज तो सूरज भी थोड़ा सा निकल पाया, सुबह सुबह का टाइम है, जल्दी से कैनल पर पहुंचते हैं और आपको सारे सीन समझाता हूँ मैं। तो अपनी परी से मिलने के लिए मैं घर से निकल चुका हूँ, तो भाई कैनल पर पहुंच चुका हूँ। क्या हाल है परी? यार परी की ना बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है, और परी के लिए इतने कॉल सारे पापा जी पर कि यार इसे हमें सेल कर दो, इसे हमें सेल कर दो। लेकिन यार हम अपनी परी को सेल करना नहीं चाहते, अभी तो कोई प्लान नहीं है। फिलहाल तो हमें इसे ट्रेनिंग देनी है, और आज इसकी बहुत तगड़ी वाली ट्रेनिंग होगी। आज गुरुजी ने कहा है कि इसको चार पैर जो चुगाड़ी होती है ना, फुल स्पीड जो होती है घोड़ी की, उस पर भगाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा तैयार हो जाओ, ठीक है? ये बाल कहाँ बाढ़ रखे हैं, ये ऐसे निकालो ले। शाबाश। कल तो भाई तुमने डांस करा, क्या गजब का डांस करा यार। तो भाई परी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, सारी चीज लग लगा कर, लगाम लग चुकी है, गद्दी लग चुकी है। परी आजा आजा, देखते हैं यार ये मेरे पास आती है या नहीं आती है। परी आ नहीं रही यार मेरे पास, न्यार खा रही है ना इस टाइम। परी आज घुंघरू भी गिरेंगे जी इसके। चलो यार आज अपनी परी को घुंघरू भी डालते हैं गले में, गले में डालेंगे ना, छन 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 करती हुई जाएगी फिर। ये बन चुका है भाई इसको घुंघरू। चलो कोच साहब बैठने जा रहे हैं भाई परी पर, एक दो और ये तीन तीन। शाबाश, बहुत जालिम सिंह है। तो भाई कोच साहब ने ना घोड़ी को दाब दिया पूरी अच्छी तरह से, फुल स्पीड पर है घोड़ी। हम जल्दी से जा रहे हैं उसके पास, मैं दिखाता हूँ। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओ भाई भाई, जब घोड़ी इस चाल में भागती है जो आवाज आती है ना, टका टक टका टक टका टक, इतना मजा आता है भाई उसे सुनने में। अरे 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 आराम से आइए, कहाँ गई है? वो चलिए आई भाई। फाइनली परी की ट्रेनिंग पूरी हुई आज की, और मैं इसको होदी के पास लेकर आ चुका हूँ। अब हमारी परी नहाएगी, देखिए भाई कितने पसीने आ रहे हैं इसको हर जगह पर। अब इसको सीधा नहला देंगे, इसकी गद्दी वद्दी उतार कर। परी आज तुझे ना समर सेल से नहलाएंगे सीधा डायरेक्ट, होदी के पानी से भी नहीं नहलाने के, आज इसको पाइप से नहलाएंगे ठंडे ठंडे पानी से। भाई परी हो चुकी है बिल्कुल रिलैक्स, इतनी ज्यादा थकान हुई होगी इसको, आते ही पापा जी ने इसको नहला दिया और बिल्कुल फ्रेश हो गई होगी अभी। दोस्तों परी को तो उसके जाल में हमने बंद कर दिया है, अब बारी है अपने युवराज की तांगे में चलने की। आज मैंने आपको बताया था कि आज हम तांगे में जाएंगे, तो अब इसकी तो घुमाई हो चुकी है, अब सीधे चलते हैं भाई युवराज के पास। तो भाई ये निकल चुका है अपना तांगा, और तो भाई हमारी फिरक पर अब गद्दा डल चुका है, और यहाँ पर युवराज तैयार हो रहा है। भाई ये तांगे की जो लगाम होती है ना, ये थोड़ी सी अलग होती है उस वाली लगाम से जो सवारी की होती है, क्योंकि इसमें साइड का दिखता नहीं होता। चलो भाई आजा आजा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि तांगे में घोड़े को तैयार कैसे करते हैं। भाई इतना मुश्किल होता है ना ये काम, मुझसे तो आएगा नहीं बिल्कुल भी, पापा जी से और ट्रेनर साहब से बिल्कुल लाजमी, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से आता है। ये भाई डल गया इसकी कमर पे तांगा। उठाओ उठाओ उठाओ
ये भाई पूंछ लग चुकी है इसके अंदर, पूंछ फिट हो चुकी है। अब आगे के हिस्से की बारी है। भाई ये इसकी लंबी वाली लगाम निकल चुकी है यहाँ से, क्योंकि इसको कंट्रोल यहाँ से करेंगे ना हम। यहाँ पर बैठकर इसकी लगाम उधर मोड़ना है तो वो वाली लगाम खींचेंगे, इस साइड मोड़ना है तो ये खींचेंगे। भाई युवराज भी देखिए कितने प्यार से तांगा लगवा रहा है अपने अंदर, सारी चीजें जो इसने बंधवाई है ना बड़े प्यार से बंधवा लिए, ना इधर उधर हिल हिल के हरकत कर रहा है। इसको भी पता है कि आज तो सवारी नहीं होगी, तांगे पे चलेंगे आज। तांगे पे यार लोड थोड़ा कम पड़ता है ना घोड़े पे। अब जल्दी से हम बाहर चलते हैं। तो भाई पापा जी और कोच साहब तांगे के ऊपर बैठ चुके हैं और आप ये चेक करें भाई, देखिए तांगा किस तरह जा रहा है, कितने स्मूथ जा रहा है। अरे वाह, अब बिल्कुल स्मूथ रोड आ गई है। अब देखिए भाई तांगे की स्पीड क्या निकलती है। ओहो यार एक बार तो मैं भी बैठूंगा, मैं कोच साहब से बोलूंगा कि कोच साहब इस बार आप उतर जाएं और मैं उसके ऊपर बैठूंगा, कोच साहब स्कूटी चला लेंगे, आते टाइम करेंगे ये चीज। भाई अभी हमें रास्ते में रुकना पड़ा है क्योंकि इसकी ये जो पेटी है ना ये थोड़ी सी टाइट हो गई थी, जिसकी वजह से इसे चलने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अब ये थोड़ा सा टाइट या ढीली वगैरह जो भी करेंगे करेंगे, उसके बाद चलाएंगे इसको। पेटियां वगैरह कस चुकी हैं और अब देखें भाई दोबारा से स्टार्ट, चलो। दोस्तों युवराज को लेकर ना हम दोबारा से कैनल के अंदर आ चुके हैं। ओहो आराम से आराम से आराम से, चलो 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 चलो। यार किसी रीजन की वजह से मैं आज तांगे पर नहीं बैठ पाया, लेकिन तांगा ना हम अब डेली कोशिश करा करेंगे कि डेली या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन हम तांगा निकाला करें, कि ऐसे तो यार युवराज खड़ा रहेगा और तांगे के हम मजे भी नहीं ले पाएंगे। फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ और सेटअप पर मिलते हैं आपसे। अबे भाई मेरी एक चिड़िया कहाँ गई यार? यार पांच चिड़िया मैंने गिन रखी थी, इसमें चार बची हुई है, वो चेक करें बस चार चिड़िया है। एक हरी वाली चिड़िया गायब हो गई यार। अतीना कुछ पता चिड़िया के बारे में है? अरे यार एक मिनट हटियो, साइड हो साइड हो साइड हो साइड हो साइड हो। अरे भाई अतीना भाई ये सुराख चेक करें यार, ये सुराख पक्का पक्का बजीज ने बनाया होगा और यहां से सुराख करके निकल गई यार। यार सिर्फ चार बची हैं भाई, इनके लिए अब हमें जल्दी से जल्दी ब्रीडिंग बॉक्स लगाना पड़ेगा, वरना मेरी सारी चिड़िया ऐसी उड़ती चली जाएंगी। यहाँ भी मैं कुछ लगाने वाला हूँ, वरना इनमें से भी कोई नहीं बचेगी भाई, सारी उड़ जाएंगी। यार वो उड़कर कहाँ गई होगी भाई, वो तो मर जाएगी क्योंकि बजीज कहाँ ही सर्वाइव कर पाते हैं बाहर। चलो यार जैसे भी, दुख तो हो रहा है पर कोई बात नहीं यार, बजीज का दुख तो चलो देखा जाए, लेकिन मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने खरगोशों को और अपनी बत्तखों को सिर्फ दो चीजों को अभी मैं अपने कैनल पर ले जाने की सोच रहा हूँ। यार मेरा विचार ये गलत है या सही है मुझे नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमारे ये जो दो जीव हैं ये कैनल पर सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। भाई खरगोशों को तो मुझे पता है मिट्टी बहुत पसंद है, लेकिन इनका मुझे समझ में नहीं आता कि वहां पर जो कुत्ते हैं ना, डीवन लीवो मैक्स जीना भाई, बहुत सारी जो वहां पर फीमेल्स हैं और मेल है यार, वो इनका कुत्ता ही ना बना दे। आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यार हमें इन सबको वहां पर ले जाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हुन, ओवर एंड आउट।